वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। फाइनली आज बीएड के द्वारा याचिका पड़ गई है, रिव्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर के लिए। हालांकि इसमें काफ़ी डिले कर दिया गया, 30 दिन का समय होता है, एक महीने के अंदर ही रिव्यू पेटिशन डालना होता है। लेकिन आप डेट देख सकते हैं आज का, 16 सितंबर का आज ये याचिका डाली गई है। अब रिव्यू पिटीशन में दोस्तों जो समय है वो 30 दिन का ही होता है, डिले तो हो गया है और इसकी वजह से देख सकते हैं कॉन्डोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग रिव्यू पिटीशन। तो कॉन्डोनेशन यानी कि क्षमा भी इससे संबंधित मांगी गई है और एक वैलिड रीज़न देना होगा कि आखिर क्यों डिले हुआ, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और इसको लेकर यदि ये याचिका स्वीकार होती है तो फिर डेट्स वगैरह मिलेगा और इसमें सुनवाई होगी। वैसे रिव्यू पिटीशन में जो चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम होता है कि कोई बदलाव हो सके। पहले ये जो फाइल है वो पहुंचेगी उन्हीं जज के पास जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। यदि रिव्यू पिटीशन में कोई नए तथ्य रखे गए होंगे, कोई नई इन्फॉर्मेशन यदि सामने रखी गई होगी जो कि पिछली बार सुनवाई में छूट गया होगा, तो ही जाकर याचिका स्वीकार होगी और तो ही रिव्यू पिटीशन में आगे डेट्स वगैरह मिलेगी, नहीं तो ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चूँकि जिन मुद्दों पर पहले सुनवाई हो चुकी है उसे कोर्ट ने सुन लिया है और उसके आधार पर ऑर्डर दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए क्वैश कर दिया है। तो आपको कोई ऐसे वैलिड पॉइंट रखने होंगे जिसको लेकर कोर्ट को लगे कि इस पर सुनवाई होना ज़रूरी है, एक बार इस मुद्दे पर फिर से कोर्ट में डेट देकर सुनवाई होनी चाहिए, तो ही जाकर इसमें कुछ आगे सुनवाई होगी। बाकी देखते हैं ये एक्सेप्ट होता है या फिर नहीं, और एक्सेप्ट होता है तो कब तक इस संबंध में डेट्स वगैरह मिलती हैं। हालांकि देवेश शर्मा जो कि मुख्य याचिकाकर्ता थे इस मामले के, उन्होंने कहा कि हम क्यूरेटिव पिटीशन यानी क्यूरेटिव याचिका, उपचारात्मक याचिका भी डालेंगे और कोर्ट से गुहार करेंगे कि बीएडधारियों के मामले को एक बार और सुना जाए और उनको कुछ राहत दिया जाए। तो रिव्यू पिटीशन के बाद जो अंतिम विकल्प है छात्रों के पास या किसी भी मामले में जो कोर्ट से संबंधित है वो होता है क्यूरेटिव याचिका। उसके बाद सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, वो बिल्कुल अंतिम प्रोसेस होता है। तो उसको लेकर भी छात्रों ने बताया है कि क्यूरेटिव याचिका भी डाली जाएगी। फिलहाल देखते हैं इस रिव्यू पिटीशन का क्या होता है। जो रिव्यू पिटीशन का लगभग सिस्टम है वही क्यूरेटिव का भी है, उसमें भी पहले यदि एक्सेप्ट होता है तो ही जाकर सुनवाई होगी। जो भी अपडेट्स होगी सूचना आपको दिया जाएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको सारी जानकारियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।